अम्बाला के तेपला में आज भाजपा की कार्यकारिणी की एक बैठक वहां के निजी स्कूल में हुई, लेकिन बैठक से पहले ही किसानों ने बैठक का जमकर विरोध किया। वे किसान सड़कों पर आ गए। किसानों का कहना था कि इस बैठक में मुख्यमंत्री हरियाणा के आने का कार्यक्रम है, जिसके चलते ये विरोध किया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन व भाजपा के प्रदेश महामंत्री वेदपाल का कहना था कि किसानों को गलत खबर है, यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके बावजूद भी किसानों व मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल को आपस में कई बार भिड़ते देखा गया। बता दें, हरियाणा में भाजपा नेताओं का विरोध किसान नेताओं द्वारा हर जगह किया जा रहा है। भाजपा के हर जिले में हो रहे कार्यक्रमों के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं और हर जिले में भाजपा के कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। अम्बाला के तेपला गांव में गीता विद्या मंदिर में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए किसानों ने अम्बाला यमुनानगर मार्ग पर कार्यक्रम का विरोध किया। किसानों को उम्मीद थी कि भाजपा के कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी आएंगे। इसी को लेकर सीएम का विरोध करने के लिए भारी मात्रा में किसान स्कूल को घेरने की कोशिश करते दिखाई दिए। किसान उग्र न हो इसके लिए पुलिस ने भी किसानों को रोकने का हर इंतजाम किया हुआ था। किसान नेता मलकीत सिंह ने बताया कि हमें देर रात पता चला कि भाजपा के कार्यक्रम में सीएम खट्टर पहुंच रहे हैं। सीएम का विरोध करने के लिए हम यहां पहुंचे हैं, परंतु प्रशासन बोल रहा है कि सीएम साहब नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि जब सीएम ने नहीं आना था, फिर इतनी भारी मात्रा में पुलिस का इंतजाम क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि हालांकि इस स्कूल में हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, परंतु हम भाजपा के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। आज हमें तो पता लगा था भी सीएम साहब आ रहे हैं, उसी का विरोध करने के लिए हम आए यहाँ पे इकट्ठे हुए। रात हमारे को 9:30 बजे पता लगा, तो हमने अपने जैसे भी संदेश दे के अपने किसान साथी यहाँ इकट्ठे किए और विरोध करने के लिए आ रहे। अभी प्रशासन बोल रहा है अभी खट्टर तो कैंसिल कर गया, वो नहीं आ रहा, पर हम विरोध तो करते रहेंगे। जो बीजेपी वाला उसका भी विरोध करेंगे, कोई भी हो चाहे, विरोध इनका चलता रहेगा। स्कूल का भी बहिष्कार कर देंगे हम, किसान हमारे बच्चे पढ़ते हैं इसमें। जो पुलिस का कहना है कि गुमराह किया जा रहा किसानों को, खट्टर साहब का प्रोग्राम ही नहीं था। इतनी पुलिस क्यों लगाई फिर? अगर खट्टर साहब का प्रोग्राम नहीं था, पुलिस क्यों लगाई? अगर आपको पुलिस की लिस्ट दिखा दो ना रात की, जो व्हाट्सएप पर है, भी हजारों कई हजार में लिस्ट है, कोई थाना नहीं छोड़े ना, जिसकी लिस्ट है भी वहाँ पहुँचना ड्यूटी है सारी। अगर सीएम साहब ना आए, बाकी बीजेपी नेता है, उनका ही विरोध होगा? उनका विरोध है, विरोध उन्हीं का चल रहा है, अभी किसका चल रहा है? तो ये किसानों के डर से ही खट्टर नहीं आए? किसानों का डर तो इनको है, अगर डर ना होता इतनी पुलिस क्यों है? इनको डर है, जब पहले पुलिस को गाड़ी खड़ी करते हैं, बिना पुलिस के क्यों नहीं आते? या पहले अनाउंस कर दें, पहले जैसे होता था अभी सीएम आता था, पता लगता था 5-4 दिन पहले भी फलानी जगह सीएम आएगा, अभी रात को पता लग रहा, सवेरे आना रात को पता लग रहा, ये चीज़ है। कुछ नहीं, कोई इनकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, उस संबंध में इनको किसी ने गुमराह एक वीडियो डाल दी, सीएम साहब पहुँच रहे हैं, सीएम साहब यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये बात क्लियर है, लेकिन इनको किसी ने गुमराह करके कुछ बीच में आ जाते हैं, किसान मां समझ रहे हैं इस बात को, कुछ शरारती तत्व हैं बीच में, ऐसा गुमराह कर। बातचीत हुई, उनको समझा दिया कि यहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम नहीं है, बाकी लोकल हैं, वो अपना बिल्कुल कर रहे हैं, वो आपके भाई हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं, समझ गए हैं किसान, आपस में समझा रहे हैं एक दूसरे। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आने जाने की? कोई नहीं, सड़कें खुल रही, ऐसी कोई बात नहीं है कि सड़कें खुल रही है, थोड़ा जब भीड़ आती है सड़क पर हो ही जाती है, लेकिन ट्रैफिक चला हुआ है, ऐसी कोई तैयारी है, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी घटना नहीं घटी। किसान भी ऐसा कानून हाथ में नहीं लेंगे, अगर कोई लेगा तो सख्ती से निपटेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। बता दें, अम्बाला यमुनानगर मार्ग पर तेपला में स्थित नंदलाल गीता विद्या मंदिर में भाजपा की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी और किसानों ने स्कूल को घेरने की कोशिश की। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के इंतजाम के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी सुल्तान ने बताया कि स्कूल में भाजपा का कार्यक्रम है, इनको किसी शरारती तत्व ने गुमराह कर दिया कि यहाँ सीएम पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत हो गई है, हमने समझा दिया कि यहाँ पर सीएम साहब का कोई कार्यक्रम नहीं है। डीएसपी ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर पुलिस का व्यापक इंतजाम है, यदि कोई किसान कानून को हाथ में लेगा तो हम सख्ती से निपटेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की अम्बाला की जिला कार्यकारिणी है, ये हमारी 22 के 22 जिलों की कार्यकारिणी हो रही है। इससे पूर्व हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हुई थी, जो चंडीगढ़ और बाकी 6 जगह से जुड़ी थी, अलग अलग केंद्रों से, वो वर्चुअल और फिजिकल दोनों थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें दिल्ली से जुड़े थे, तो 7 जगह से जुड़े थे। तो ये हमारा एक तय कार्यक्रम है कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद फिर प्रदेश कार्यकारिणी, और फिर प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जिला कार्यकारिणी, और जिले के बाद मंडल कार्यकारिणी। अभी ये जिला कार्यकारिणी चल रही है, हमारे कई जिलों में जिला कार्यकारिणी हो चुकी है, आज अम्बाड़ा है, तो आज ये कार्यकारिणी अभी स्टार्ट हो जाएगी। आपसे विरोध कर रहे हैं, उनका कहना था कि मुख्यमंत्री आए और जहाँ भी उनका विरोध। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आज कोई कार्यक्रम है नहीं, और दूसरी बात है विरोध की, विरोध क्यों कर रहे हैं?
किस बात का विरोध कर रहे हैं? अगर उनको विरोध करके वीडियो डालनी है तो डालें, उससे हमें क्या फर्क? क्या कहना कहता है कि यमुनानगर में विरोध किया था उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु हमारी कार्यकारिणी की बैठक ठीक समय पर शुरू हुई, ठीक समय पर समाप्त हुई। सारा एजेंडा जो हमारा बैठक का था और जो भी वक्ता आने थे वो आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, आगामी योजना के बारे में जानकारी दी। और जैसा प्रदेश महामंत्री श्रीमान वेदपाल जी ने आपको बातचीत में बताया कि हर जिला में कार्यकारिणी होनी है, तो यहाँ भी एक कार्यकारिणी हो रही है और हम कार्यकारिणी करने के लिए आए हैं और वो विरोध करने के लिए आए हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, जो विरोध करना चाहता है वो विरोध करे, परंतु विरोध मर्यादा में रहकर होना चाहिए, विरोध करने का एक ढंग होना चाहिए। अगर विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है तो पार्टी का भी ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपनी जिला कार्यकारिणी की बैठक करे। हम उनके विरोध में कोई खलल नहीं डाल रहे, तो वो बैठक में खलल क्यों डालना चाहते हैं? ये उनकी नीच मानसिकता का प्रतीक है, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है जिसको वो धक्के से अलोकतांत्रिक तरीके से लागू करवाना चाहते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर उनके अलोकतांत्रिक एजेंडे को लागू नहीं होने देगा। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से बारुलगर की रिपोर्ट।